मेरे उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 3% है। यही कारण है कि यहाँ पर जातिगत हिंसा या भेदभाव क्रूर रूप से नहीं दिखता है, लेकिन अभी भी गाँव में खाने और पानी को लेकर छुआछूत या भेदभाव है, जो कि स्कूलों में मिड डे मील के दौरान साफ झलकता है। दीप्ति, आपकी यहाँ कहीं बच्चों के साथ खाने में भेदभाव होता है क्या? हाँ, होता है। लाडो गेम होता है ना, वहाँ अलग बैठाते बच्चों के लिए खाने। और किस तरह से अलग बैठाते हैं? मतलब जैसे सारे शर्मा लोग एक साथ बैठते हैं ना, तो मतलब हमारे लोगों को अलग दे देते खाना। जब स्कूल में टीचरों ने खाने में भेदभाव होने से साफ मना कर दिया, तो दूसरे दिन जब मैं इस वीडियो को चुपके से शूट कर रही थी, तो मैंने पाया कि अलग अलग जाति के बच्चे अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। फिर मैंने जब उनके अभिभावकों से बात की, तो इस यथार्थ की तस्वीर साफ झलकती है। हम लोग जो हैं यहाँ पर, चाहे सामान्य जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, सब आपस में भाई भतीजे के हिसाब से रहते हैं और बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं। मगर जहाँ पर जो खाने का सब होता है, जहाँ पर खान पान का सवाल होता है, वहाँ पर हमें जो है इस खाने पीने से अलग रखा जाता है। और यहीं पर मतभेद होता है, तो यहाँ पर हम जा कर के अपनी कमजोरी या अपने उसको कुछ एहसास को कम समझ लेने लगता है कि क्यों हमारे साथ इस प्रकार का मतभेद और किया जाता है। बुरा तो लगता ही है, मतलब सारे एक साथ बैठे तो कोई अलग बैठेगा तो बुरा तो लगेगा उसी में। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा भी आता ही है। जो शहर से लगे हुए स्कूल हैं, वहाँ पर टीचर सभी बच्चों को जबरदस्ती खाने के लिए साथ बैठाते हैं, जबकि दूर गांव में अभी भी छुआछूत की वही पुरानी स्थिति बनी हुई है। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैन उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।